अस्सलाम वालेकुम दाईजान, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? ठीक। अरे आप लोग तो बिल्कुल खामोश हो गए। हाँ नहीं भाई साहब, असल में लाइबा को बड़े अरसे के बाद देखा है, काफी चेंज हो गई है लाइबा। तस्वीर में तो आप लोग देखते होंगे ना। और भाई जासिम मियां, नई जॉब में सेटल हो गए? जी चाचू, आपको पता तो है कि चैलेंजेस तो आते रहते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ सबको ठीक हो जाता है। कबाब लो ना। नो थैंक्स। भाई इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, बाद में जितनी बातें करनी होगी ना कर लेना। अच्छा भाई खालिद साहब, भाभी, एक फैमिली की अच्छी सी पिक हो जाए, आ जाए आप लोग। लाइबा तुम भी साथ खड़ी हो जाओ बेटा, आओ बेटा। अच्छी सी पिक्चर इस्माइल, वेरी गुड। मैं चाय बना के लाती हूँ। आप लोग अभी कोई बात मत कीजिएगा, मैं घर चल के आपसे बात करूं, ठीक है? ले भाई मुंह मीठा करें। इस तकल्लुफ की जरूरत नहीं है भाई साहब। क्या बात कर रही हैं भाभी, खुशी का मौका है, आगे बात पक्की होने जा रही है, डेट रखने जा रहे हैं हम लोग। भाई साहब दरअसल हम आपसे इसी हवाले से कुछ बात करने के लिए आए हैं। हाँ बोले बोले। आप बोले ना। देखो मुनव्वर, लाइबा हमारी बच्ची है और हमेशा रहेगी, इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लोग, उनकी सोच, और आजकल की यंग जनरेशन को तो तुम अच्छी तरह जानते ही हो। जासिम हमारे साथ हर वक्त तो रहता नहीं था, अब इन बच्चों की आपस में क्या बातचीत होती थी इसका कभी कुछ ज्यादा जिक्र नहीं हुआ। बात क्या है भाई साहब, वो बताएं। हम ये मंगनी खत्म करना चाहते हैं। मंगनी खत्म करना चाह रहे हैं, लेकिन क्यों? हमसे कोई गलती हुई है? लाइबा का जासिम से झगड़ा हुआ है? क्या बात हुई है मुझे बताएं। ऐसी कोई बात नहीं है भाई साहब, दरअसल जासिम नहीं मान रहा। आप लोगों को अगर वक्त चाहिए तो हम वक्त देने के लिए भी तैयार हैं। बात वक्त की नहीं है मुनव्वर, हम इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हैं और बिलावजह बच्ची को भी आसरे में रखें। कहाँ है वो? लाइबा बेटा। लाइबा कहाँ है जासिम? रिश्ता तोड़ना है ना तुमने? तुम्हारे आते ही मुझे पता चल गया था कि कुछ ठीक नहीं है। क्या गलती हो गई है मुझसे? लाइबा तुम इस वक्त गुस्से में हो, हम बाद में बात करते हैं। हम अभी बात करेंगे, इसी वक्त। क्या बात करनी है तुम्हें, बोलो क्या बात करनी है? ऐसी क्या गलती हो गई है मुझसे जिसे कल तक तुम फ्यूचर की बातें करते थे, प्यार मोहब्बत के वादे करते थे, बचपन का रिश्ता था हमारा, ऐसा क्या हो गया कि आज चचा चची रिश्ता जोड़ने के बजाय रिश्ता खत्म करने आए हैं? हाँ किए थे वादे, 7 साल से मैं तस्वीर से बातें कर रहा था जो तुमने मुझे पेश की थी, लेकिन वो तो तुम दूर दूर तक हो ही नहीं। क्या हाल बना लिया तुमने अपना लाइबा, कभी गौर से देखा है तुमने अपने आप को? क्या हाल बना लिए? पढ़ के, मेहनत करके, रातों को जाग के, डिप्रेशन से लड़के, अपनी माँ को याद करके, खुद से लड़के, अगर मैंने ये हाल बना लिए तो क्या बुरा किया मैंने? मेरा 100 लोगों में उठना बैठना है, क्या दिखाऊंगा उनको मैं? ये है मेरा लाइफ पार्टनर, ये। तुम मुझे वाकई इसलिए छोड़ रहे हो कि मेरा वजन बढ़ के मैं मोटी हो गई? मुझसे क्यों पूछ रही हो, खुद नहीं जानती क्या? अगर नहीं जानती तो तस्वीरों पे इतना फिल्टर लगा लगा कर नहीं भेजती तुम मुझे। खुद का सामना करना सीखो,
अपने आप को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करना सीखो। क्या हो तुम? फिर ये इंजाम तराशी करना। लाइबा बेटा, लाइबा बेटा, खाना तो खा लो, खाने से क्या दुश्मनी है? खाने की वजह से तो हुए ये सब। अब प्लीज जाए, मुझे भूख नहीं लग रही। आओ आओ बेटा। लाइबा देखो, पप्पो मिलने आई है तुमसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहीं जा रही हो? जी आज फाइनल इंटरव्यू है, नौकरी के लिए हाँ कर दिया मैंने। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है बेटा, खुशी की बात है। मुबारक हो, अल्लाह ताला ढेरों कामयाबियां दे। अरे चाय तो पीती जाओ। देखो बेटा, जो हुआ सो हुआ, अब आगे के बारे में सोचो। कोई कुछ कहे ना कहे, लेकिन इंसान को खुद को भी तो बेहतर कुछ करना होता है ना। बेहतर मतलब? बेहतर मतलब अच्छा स्मार्ट दिखना। देखा है ना आजकल की लड़कियों को? यानी बेहतर होने के लिए लोगों की दाद और तहसीन हासिल करने की अलामत यही है। मैं कुछ गलत तो नहीं कह रही बेटा? लड़की जात हो, कब तक बाप पर बोझ बनकर बैठी रहोगी? मैं तो माँ के तौर पर। मेरी माँ कभी ऐसी बातें ना करती। आपका वजन कम है ना, लेकिन खानदान वाले आपके खिलाफ के बारे में क्या बातें करते हैं जानती हैं आप? लाइबा देखा भाई साहब, ये है भलाई का जमाना। मैं तो ये सोचकर आई थी, बिन माँ की बच्ची है, इसको सहारे की जरूरत है। यहाँ तो ये औकात है हमारी। ख्याल करने का बहुत शुक्रिया कि खत्म करके जाइए। देखा भाई साहब, मिस लाइबा, आप जानती हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी ने बार बार आपका नाम रेकमेंड किया। आई एम ग्लैड दैट यू हैव जॉइंड। लेकिन आप जानती होंगी कि ये एक एंट्री लेवल जॉब है। पैकेज पर हमारी बात हो चुकी थी, अगर आप ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही हैं तो। मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रही, मैं किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती। मुझे पैसों से कोई गर्ज नहीं है, मैं यहाँ सिर्फ काम करने आई हूँ। चले तो फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। पता नहीं अभी, आप खाना खा के सो जाइएगा, इंतज़ार मत कीजिएगा। मैं सिर्फ खुद से नाराज़ हूँ और किसी से नहीं। रखती हूँ। Thank you.
गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. रात को 10 बजे जाकर सुबह सुबह 7 बजे पहुंच जाना. सच सच बताएं, कहीं चौकीदार की नौकरी भी तो नहीं हड़प ली? ऐसी बात नहीं है सर, घर में कुछ खास करने को नहीं होता. इट्स बेटर हियर. आप रोज इतने बजे ही आ जाते हैं? अक्सर बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के मालिकान दोपहर से पहले आना पसंद नहीं करते. अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ का मालिक नहीं हूँ, मैं भी यहाँ का मुलाजिम ही हूँ. और मेरा ये मानना है कि मेहनत करने का एक उसूल ये भी होना चाहिए, इंसान अपने आप को कामयाब समझने के बजाय मेहनत में कोई कमी ना छोड़े. ग्रीड? एब्सोल्युटली सर. ये फिस्कल ईयर के रिकॉर्ड्स हैं और उनकी समरी भी. इसके अलावा जितने भी डिजाइनर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स हुए उन सब की डिटेल्स हैं. आप मजाक कर रहे हैं? मैं तो खुद एक मजाक हूँ सर, मैं किसी और से क्या मजाक करूँगी. अब आप ऐसा क्यों कह रही हैं? इट्स रियली इम्प्रेसिव लाइबा, मैं इसे देखता हूँ. मारिया, जरा ये पोर्टफोलियो दिखाना मुझे. वो पीआर डिपार्टमेंट ने मना किया. लाइबा इस पर काफी अच्छी एडवाइस दे सकती थी, इन्हें क्यों नहीं दिखाया आपने? ऐसे ही सर, हमने सोचा कि ये तो इनका डिपार्टमेंट नहीं है. इस ऑफिस में काम करने वाला हर शख्स हर डिपार्टमेंट का हिस्सा है. जी सर. खासकर वो जो अपना काम अच्छी तरीके से करता है. जी लाइबा, मुझे आपसे इस पर फीडबैक चाहिए डायरेक्टली. यस सर. ये कुछ ज्यादा ही साइड नहीं ले रहे इस मोटी की? लाइबा बाजी, कितनी देर लगेगी? आ रही हूं. बर्दाश्त नहीं होती ना. नींबू के जाने के बाद आप ही ने तो आदत खराब की, कभी इंतजार तो नहीं करवाया. अल्लाह बख्शे उन दोनों को. खाने की मेज पर तो उनकी वजह से ही रौनक थी. क्या हुआ, वहां क्यों नहीं रहे? बस एक नया काम मिल गया. वो क्या? पहेलियां बुझाना. हाँ? पहेली जैसे लोग, उनके अंदर छुपे जवाब निकालना बड़ा मुश्किल है. और आप तो जानती, मुझे ऐसे खेल तमाशे बचपन से कितने पसंद है. माजरा क्या है? माजरा ये है कि अब ये कोई खेल नहीं, इसीलिए डर रहा हूं कुछ कहते हुए, कुछ भी करते हुए. और किसी भी मामले की तह तक पहुंचते हुए. खाना ठंडा हो रहा है और लो, बहुत भूख लगी हुई थी ना. ये भी लो. लाइबा आइए सर. सारी वही बातें हैं जो मैं इनसे पहले तीन से बोल रहा हूं.
लाइबा, मैं चाहता हूँ कि जो इवेंट हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं आप उसे हेड करें। सर एक बात कहूँ अगर आप बुरा ना मानें तो, ना मैं इतनी क्वालिफाइड हूँ, ना ही इतनी खास, ना ही इतनी पुरानी कि मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाए। आप इतनी काबिल हैं लाइबा, अगर आप नहीं समझती तो वो बात अलग है। सर साफ सीधी सी बात है, लोग इन सारी बातों का गलत मतलब निकाल रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि, अगर आप नहीं चाहती कि लोग इस बात का गलत मतलब निकालें, अगर सही मतलब निकालें तो? जी मतलब ये कि इवेंट आप ही हेड कर रही हैं। मैं आपको ईमेल कर रहा हूँ, आप देख लीजिए। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम बेटा, आ गई। मैं कब से तुम्हारे इंतजार कर रहा था। सब खैरियत है? और ये सब कहाँ से आया? बड़े खुश नजर आ रहे हैं बेटा। जब बात खुशी की हो ना तो क्यों ना खुश हूं। तुम्हारा रिश्ता आया लाइबा। तो ये बात है, अब किसको मुझ पे तरस आ गया? कैसी बात करी बेटा, किसी को तुम पे तरस नहीं आया, बल्कि वो तो तुमको बहुत पसंद करते हैं। तुम्हारे बॉस आए थे तुम्हारे रिश्ते की बात करने। दानियाल साहब, असल में बेटा उनके घर में कोई बड़ा नहीं है ना, तो तुमसे बात करते हुए वो बहुत झिझक रहे थे, इसलिए उन्हें बेहतर लगा कि मुझसे आके बात करें, और इस बात की मुझे बहुत खुशी हुई। और क्या कहा उन्होंने? क्या हो गया, इतने गुस्से में क्यों हो बेटा? लाइबा कहाँ जा रही हो? रिजाइन करने। लाइबा, लाइबा, ये लें। ये क्या? शादी का कार्ड। इतनी जल्दी रेजिग्नेशन लेटर टाइप भी करवा लिया और प्रिंट भी सुबह करवा लेती। आप खुद को समझते क्या है? किस हैसियत से आप मेरे घर आए थे, वो भी मुझसे पूछे बगैर? तुमसे अगर मैं पूछता तो क्या तुम इजाजत देती? क्यों कर लूं मैं आपसे शादी? किस गलत फहमी में हैं आप इतने दिनों से? आप मर्दों का यही मसला है, आप लोगों को लगता है कि ये दुनिया आप लोगों की है। जब दिल चाहे किसी को चाहो, जब दिल चाहे किसी को ठुकरा दो, जब दिल चाहे किसी को धुतकार दो, लेकिन ऐसा नहीं है। औरत की भी अपनी कोई इज्जत है, एक हैसियत है, अपना मकाम है, जो कि उसकी शख्सियत से होता है, उसकी रूह से होता है, ना कि उसकी जिसामत से। इसी इज्जत, हैसियत और मकाम के लिए अदब से तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आया था लाइबा। तुम्हें पसंद करता हूं मैं, अच्छी लगती हो तुम मुझे। आप जानते क्या है मेरे बारे में? कुछ नहीं जानता और ना जानना चाहता हूं। बस इतना जानता हूं कि जिसने भी तुम्हारा दिल तोड़ा है वो दुनिया का सबसे बदनसीब इंसान है। और ये ले लो, इसे फेंक दो या फाड़ दो, ये रिश्ता हो या ना हो, तुम ये कंपनी छोड़ के कहीं नहीं जा रही, क्योंकि इस कंपनी को तुम्हारी जरूरत है। बहुत देर हो गई है अंकल, परेशान हो रहे होंगे, और मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। प्लीज आइए लाइबा। सर, लाइबा आप जानती थी कि आज कितना इम्पोर्टेंट दिन, फिर छुट्टी करने का क्या फायदा? छुट्टी की वजह भी आप ही बने हैं।
मैं मानता हूँ, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपने जॉब छोड़ने का फैसला वापस ले लिया होगा। सारे फैसले मैं साथ कर चुकी हूँ, चाहे उनमें मेरी मर्जी शामिल हो या ना हो, मुझे इस जॉब से कोई एतराज नहीं है और ना ही इस शादी से। लेकिन मैं आपको रिपोर्ट नहीं करूंगी, आप मेरा ट्रांसफर क्रिएटिव डिपार्टमेंट में करवा दें। हो जाएगा। और कोई हुक्म? और कुछ कर सकता हूं मैं आपके लिए? हेलो लाइबा, कैसी हो? पता है, अभी एक पेज पर नजर पड़ी, माशाल्लाह से इतने बड़े कंपनी की क्रिएटिव डायरेक्टर बन गई हो और इतने बड़े इंसान की बीवी भी। कभी कभार अल्फाज बहुत कम पड़ जाते हैं। ठीक कहा तुमने जासिम, इसीलिए एक एहसान करो मुझ पर, नहीं खुद पर। आज के बाद से मुझे फोन मत करना। वो क्या है ना, तुम भी वो नहीं हो जो मैं समझती थी, और झूठी तस्वीरों से बात करने की आदत अब मुझे भी नहीं रही।